अबे ओए ज्यादा नक्शेबाजी में ना आ रही है तू, अभी बैकग्राउंड ना जानता मेरा। हाँ देखा तेरा बैकग्राउंड, इतने से तो चूतल है तेरे। अबे ओए चूतलों की बात ना कर रही है आपने। बैकग्राउंड मतलब मेरी पावर, मेरी ताकत। हाँ देखी तेरी पावर, बस का किराया तक का दिया ना गया तुझसे, भिखारी कहीं का। चलो जी। हेलो बेटे कहाँ है तू? मैं तेरा बाप बोल रही हूँ। अच्छा भैया मुस्तफा, पता क्या काम है? आज तू अपने बाप का नाम भी लेने लगा? अरे भैया मैं बड़ा डायरेक्टर बन गया यार, बॉलीवुड में चर्चे हैं और तूने मुझे दिया ही क्या है, काम बता तू। बेटे अब देख हमारा कुछ ना पता मौत जीत का, कब हम मर जा, कुछ जमीन तो अपने नाम करी ले आ गए। जमीन तो बुड्ढे मैंने कब की अपने नाम करा ली, तुझे पता भी ना चला केकड़े। अच्छा जमीन पहले ही नाम में कर ली, चल कोई बात ना, आ तो जा, तेरी माँ देखिए तेरी सूरत को देखने तरस रही है और मेरा भी मन कर रहा है तुझे देखने, जल्दी आ जा। ओ यार बुढ़ाई तो सीरियस हो रहा है, चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ जाए ना। ओके आ रहा हूँ। अरे कहाँ गया भाई मुस्तफा, बाहर को भाई मुस्तफा। मेरे बेटे आ गया तू। अरे बेटे जमीन सारी बेच दी है और साले मुझे ही पता ना लगा मेरे अंगूठे का निशान तूने कब ले लिया। जादी चलाक हो रिया है, तेरी माँ को चोदूं तेरी की। अरे भाई आमिर भाई यहाँ कैसे बैठे हो? अरे यार ये सामने वाला घर ना है, हाँ? इसमें दो दिन बाद शादी है तो मैं सोच रहा यहीं बैठा रहूं, क्या पता निकलते बढ़ते देखे बार बार मुझे तो दावत कर ही दे। अबे तो यार आमिर भाई फिर हम भी यहीं बैठे रहे, मैं क्या पता तुम्हारे जरिए हमारी भी दावत हो जाए। साले हम तो जलील ने जबरदस्ती करवा रहे हैं अपनी दावत, तू थोड़ी है जलील। यार दावत के चक्कर में तो हमें भी जलील ही बनना पड़ेगा, ऐसे करता तो कोई है नहीं।